Hello everyone, students. Today we are going to start our new topic, that is noun. So student, what is noun? Noun is the name of a person, place, thing or an idea. Noun क्या है हमारा? Noun को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का, प्लेस का नाम हो सकता है, कोई थिंग का नाम हो सकता है या फिर कोई भी आइडिया हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नाउन. जैसे मैन, स्कूल, एयरप्लेन, ड्रीम, फ्रेंडशिप, तो ये सब क्या है हमारे? नाउन. अब जो नाउन है वो नाउन पर्सन के लिए कैसे यूज़ होते हैं? जैसे हम मैन के लिए यूज़ करते हैं मैन, फादर, ब्रदर इन लॉ, और गर्ल के लिए जैसे हम गर्ल, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बॉय, सन या फिर ग्रैंड सन. इसी तरह से हम वीमेन के लिए क्या यूज़ करते हैं? वीमेन, मदर, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ या फिर लेडी, या फिर ग्रैंड फादर, फादर इन लॉ एंड ग्रैंड एंड जेंटलमैन. तो ये इस तरह से हम जो नाउन है पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. अब प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि जो हम नेम प्लेसेस में यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, मॉल हो गया, स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, ऑफिस, प्लेग्राउंड, एयरपोर्ट, क्लासरूम, ये सभी प्लेसेस हैं. जैसे हमारा ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन होगी, कोई टेम्पल हो गया, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, तो उसके वो होता है हमारा नाउन फॉर प्लेसेस. तो अब है नाउन फॉर थिंग्स. थिंग्स में कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि मैंने बोला डेस्क, पेंसिल, बेसबॉल बैट, बेसबॉल ग्लव्स, ट्री, कार, सोफ़ा, टेबल, चेयर, एनी थिंग्स, एनी आर्टिकल्स जिसको हम यूज़ करते हैं वो हमारा नाउन फॉर थिंग्स आ जाएगा. अब नाउन फॉर आइडियाज़, आइडिया में क्या आएगा? दैट नाउन कैन बी समथिंग यू कैन थिंक और फील, बट यू कैन नॉट सी और टच. मतलब आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको उसके बारे में सोच सकते हो, बट आप उसको ना तो देख सकते हो और ना ही उसको टच कर सकते हो. जैसे कि फ्रेंडशिप, डेंजर, ट्रूथ. अब फ्रेंडशिप है, आप उसको फील कर सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते. डेंजर, ट्रूथ, ड्रीम, लॉयल्टी एंड करेज. ठीक है, अब नाउन क्या हुआ? नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. क्लियर? ये नाउन क्या होता है? और फॉर एवरी वर्ड सी वेदर इट इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, लाइक दैट इज़ नाउन. अब ये हमारे पास वर्ड है अजय मीट अ न्यू फ्रेंड इन द सिटी. अजय एक पर्सन का नाम है. उसके बाद उसने क्या बनाया? एक फ्रेंड बनाया, वो भी एक पर्सन है, सिटी यानी कि प्लेस. ठीक है, आगे है नेक्स्ट. सारा पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. तो सारा एक पर्सन का नाम है, ठीक है, और बैग थिंग का नाम है और स्कूल आपका प्लेस का नाम है. क्लियर? आगे देखिए, नाउन जो है राज एंड अजय वेंट टू स्कूल, वेंट टू सेम टेम्पल. ठीक है, तो राज और अजय क्या है हमारे? वो पर्सन के नाम है और जो प्लेस है, टेम्पल है, वो हमारा प्लेस है. निकी एंड सारा वेंट टू द सेम क्लास. निकी और सारा जो है वो पर्सन का नाम है एंड क्लास, क्योंकि क्लास एक प्लेस का नाम है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या याद करना है कि नाउन्स नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब अगला सेंटेंस देखिए, दे बोथ लव टू प्ले क्रिकेट एंड आफ्टर स्कूल ऑन थर्सडे. बोथ, दे लव टू प्ले क्रिकेट. तो देखिए पर्सन, क्रिकेट क्या हुआ हमारा? पर्सन. और जो हमारा स्कूल है वो हमारा प्लेस हुआ. और इसके अलावा क्या हुआ हमारा? थर्सडे जो है हमारा वीक ऑफ द डे हुआ. आगे देखिए, दे बोथ वेंट टू चर्च आफ्टर लंच ऑन संडे. दे, इसमें हमारा चर्च क्या है? जगह का नाम. ठीक है, लंच हमारा खाने का है, इसको भी हम थिंग में ले सकते हैं, और संडे हमारा जो है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक. क्लियर? आगे है, ही वुड ब्रिंग गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स एट जिम. ही कुड ब्रिंग गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स. तो गिफ्ट्स क्या हो गया? थिंग्स. फ्रेंड्स क्या हो गया? पर्सन. और जिम क्या है? जगह का नाम, प्लेस का नाम. द लेडी बॉट अ कप फॉर हर ग्रैंड डॉटर, कैप फॉर हर ग्रैंड डॉटर. तो लेडीज में क्या हो गया? पर्सन. ठीक है, कैप क्या हो गया? थिंग. और ग्रैंड डॉटर भी क्या हो गया? उसका
क्या हो गया, ग्रैंडडॉटर, पर्सन, ठीक है। अभी इसमें से हमें जो है नाउन आइडेंटिफाई करने हैं, जो हमने ऊपर अभी किए हैं। ही वॉज हेल्पिंग द यंगर सिस्टर टू प्ले कार्ड, तो इसमें यंगर सिस्टर क्या हो गया, पर्सन, और कार्ड्स क्या हो गया हमारा, थिंग्स। द जेंटलमैन हैड वॉन प्राइजेस इन चेस कॉम्पिटिशन, तो जेंटलमैन इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, जेंटलमैन हो गया हमारा पर्सन, प्राइज हमारा हो गया कोई थिंग, और चेस कॉम्पिटिशन भी हमारी किसी कॉम्पिटिशन का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन माना जाएगा। ही वॉन्टेड टू प्ले द चेस ऑन द ऑन हिज कंप्यूटर, क्योंकि नेम गेम का नाम है, ठीक है, एंड कंप्यूटर हमारा ये भी थिंग का नाम है। द ग्रैंडपा वॉन्टेड टू बीट द कंप्यूटर इन चेस, द ग्रैंडपा पापा का नाम हो गया, आगे कंप्यूटर ये भी आर्टिकल है, चेस ये भी किसी थिंग का नाम है। देयर दे आर फॉर्मिंग अ टीम टू कम्पीट इन टूर्नामेंट, ठीक है, एक टीम जो हो गया, ये भी एक नाउन हो गया, इसमें बहुत सारे पर्सन मिलकर टीम बनाएंगे, और टूर्नामेंट भी ये गेम का हो गया, तो ये हो गए हमारे गेम्स।